बचपन में सुना था, पत्थर भी बोल उठते हैं, सागर की लहरों की तरह दिलों में लाखों सवाल पैदा कर डोल उठते हैं। सदियों तक अनजान रहने के बावजूद आज सारे संसार को उजालों की ओर ले उठते हैं। आप महान थे, आप महान रहोगे जब तक ये जमीन और आसमान होंगे। जम्बूद्वीप के महान सम्राट, सम्राट अशोक, आपको शत शत नमन। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इस चैनल द्वारा आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, प्राचीन बौद्ध स्मारक हो या फिर प्राचीन बौद्ध गुफाएं हो, जिनका निर्माण सम्राट अशोक इनके बाद में भी कई वर्षों तक हुआ है, हम जानकारी ले रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य के। और मध्य प्रदेश राज्य में सम्राट अशोक इनके कई सारे शिलालेख हैं, कई सारे सम्राट अशोक ने स्तूप हज़ारों की संख्या में बनाए हैं, हज़ारों स्मारक है। आज का ये जो वीडियो है, हम इससे पहले आपको इस चैनल द्वारा सम्राट अशोक इनका रूपनाथ यहाँ का लघु शिलालेख दिखाया था और उसकी आपको जानकारी दी थी। और आज का यह जो वीडियो है, ये मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले के दतिया तहसील में, यहाँ पर गुजर्रा नाम की जगह है, गुजर्रा नाम का गांव है, यहाँ पर सम्राट अशोक इनका एक प्रति शिलालेख है। और ये शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस शिलालेख में भारत भर में सम्राट अशोक इनकी जितने भी शिलालेख पाए गए उनमें तीन शिलालेखों में सम्राट अशोक का अशोक नाम आया हुआ है। और यहाँ पर दतिया में ये जो गुजरा है, गुजरा में जो शिलालेख पाया गया उसमें सम्राट अशोक का नाम अशोक राजा करके वर्णित किया गया। तो यह जो शिलालेख है, यह देखेंगे हम आज यह किस हालत में है, किस और यहाँ पर किस प्रकार से भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इस स्थली को संरक्षित किया गया, इसके हम जानकारी लेने वाले। तो आपसे अनुरोध है ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी सभी देशवासियों को पता चले। यहाँ तक जाने के लिए आप दतिया से बाय बस जा सकते हो या फिर आप शिवपुरी यहाँ से आ सकते हो या फिर आप झांसी से भी आ सकते हो, मध्य प्रदेश हो या फिर यूपी से हो, आप यहाँ पर आ सकते हो। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। यस्य चेतं समुच्छिन्नं मूलगच्छं समूहन्तं सवन्तदोषो मेधावी साधु रूपो तिवुच्यति। जिसके भीतर से यह ईर्ष्या मात्सर्य आदि जड़ मूल से सर्वथा उच्छिन्न हो गए हो, वह निगत दोष मेधावी पुरुष साधु पुरुष कहा जाता है। गुजर्रा यह लघु शिलालेख झांसी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर और शिवपुरी से 120 किलोमीटर की दूरी पर, साथ ही दतिया से 16 किलोमीटर की दूरी पर गुजर्रा इस गांव में स्थित है। सम्राट अशोक इनके देश और विदेश मिलाकर 40 से भी अधिक शिलालेख पाए गए हैं, जिनमें उनके 16 लघु शिलालेख पाए गए हैं। आमतौर पर हमें सम्राट अशोक इनके 14 बृहद शिलालेखों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा उनके गुहालेख, स्तंभलेख, लघुलेख भी है जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। इस चैनल के माध्यम से यह कोशिश की जा रही है कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 84,000 प्राचीन बौद्ध स्तूपों, स्मारकों, गुफाओं के साथ महान सम्राट प्रियदर्शी अशोक इनके लेख भी दिखाए जाए। इससे पहले आपको इस चैनल द्वारा रूपनाथ यहाँ पर पाया गया लघु शिलालेख दिखाया गया है। यह महज शिलालेख नहीं बल्कि प्राचीन जम्बूद्वीप की असली पहचान है। हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले के दतिया तहसील में, जहाँ पर सम्राट अशोक इनका शिलालेख है, वह स्थल है गुजर्रा। यहाँ पे तो गुजर्रा यहाँ पे देखिए, ये जो शिलालेख है इसका किसी भी प्रकार का बोर्ड जो है, हम जिस रोड से आए हुए हैं, झांसी से आगे आकर हमने लेफ्ट लिया और वहाँ से हम पूरा
छानबीन करते आए हुए यहाँ पर, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का बोर्ड नहीं है, लेकिन आगे भारतीय पुरातन विभाग द्वारा ये जो स्तरी है इसे अच्छे से संरक्षित किया गया। लेकिन यहाँ पर इस रोड से जो आते जाते लोग रहेंगे तो उनको यहाँ पर जो इतनी बड़ी विरासत जो है वह यहाँ पर संजो कर रखी है उसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। तो यह जो स्थली है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ का यह जो शिलालेख है यह पहली बार 1953 में यहाँ के जो भालचंद्र शर्मा जी है जो वन विभाग के मुखिया थे झांसी के, तो उनके माध्यम से यह जो स्थली है 1953 और 1954 में सामने आई थी। तो यहाँ पर ये जो शिलालेख है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो शिलालेख हम देखने वाले यह दरअसल प्रतिलिपि है। यहाँ पर देखिए सम्राट अशोक इनका जो शिलालेख है वह यहाँ पर रखा गया है, लघु शिलालेख। आइए, कोई बोर्ड नहीं है, किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है इसके बारे में, या फिर कुछ भी जो इसका उल्लेख है वह कहीं पर भी नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए काफ़ी नदी के रोड के रोड से करीबन 80 मीटर की दूरी पर है, रोड है गुजरा का, वहाँ से 80 मीटर की दूरी पर यह जो सम्राट अशोक इनका जो लघु शिलालेख है यहाँ पर स्थित है। ये देखिए आए हुए, यहाँ पर देखिए इसे इस प्रकार से सुरक्षित किया गया है। अभी यहाँ पर कोई ये जो यहाँ का शिलालेख है इसकी देख रेख के लिए कोई नहीं है। ये देखिए यहाँ पर इसकी जानकारी जो है यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर सम्राट अशोक इनका गुजर्रा का यह जो शिलालेख है इसकी जानकारी देखिए यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई है। तो हम यहाँ पर हिंदी में जानकारी पढ़ेंगे, वो देखिए आप इंग्लिश की जानकारी इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अशोक का गुजर्रा शिलालेख। गुजर्रा स्थित यह शिलालेख सम्राट अशोक 268-232 ईसा पूर्व के लघु शिलालेख एक की ही एक प्रतिलिपि है, यानी यहाँ पर यह एक प्रतिलिपि है इसका जिक्र यहाँ पर किया है। यह प्रतिलिपि भारतवर्ष में अब तक 16 स्थानों से प्राप्त हुई है। इस स्थल की खोज झांसी वन विभाग के ठेकेदार भालचंद्र शर्मा ने की थी, जो कि इस स्थान पर नवंबर 1953 में आए थे तथा अपनी खोज की घोषणा सन 1954 में उन्होंने की थी। इस अभिलेख में कुल 5 पंक्तियां हैं जिनकी लिपि मौर्यकालीन ब्राह्मी तथा भाषा पाली प्राकृत है। जिस पहाड़ी पर यह शिलालेख है उसे स्थानिक लोग सिद्धों की तोरिया कहते हैं, जिसका अर्थ है अच्छे व्यक्ति का निवास स्थान। अशोक का यह अभिलेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ अशोक ने अपने नाम का प्रयोग अशोक राजा के रूप में किया है, जबकि अन्य अभिलेखों में अशोक ने अपने नाम के स्थान पर देवानप्रिय प्रियदर्शी बिरुद यानी उपनाम का प्रयोग किया है। इस शिलालेख में अपने बिरुद के साथ अशोक का नाम मिलने से यह स्पष्ट हो सका है कि पूरे भारत उपमहाद्वीप में जिस देवानप्रिय प्रियदर्शी के अभिलेख मिल रहे हैं वह कोई नहीं, वह मौर्य सम्राट अशोक है। अशोक के कई अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें केवल 4 स्थानों पर तथा दतिया मध्य प्रदेश, मास्की कर्नाटक, नित्तूर कर्नाटक, उदयगोलम कर्नाटक से ही अशोक का नाम मिलता है। इस अभिलेख में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ से अशोक स्वयं को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं तथा संघ के साथ 2.5 वर्ष से अधिक जुड़े होने का जिक्र करते हैं। इस अभिलेख का मूल उद्देश्य वही है जो इसके सभी शिलालेख क्रमांक 1 अभिलेखों का है, जिसमें अशोक ने सबसे अच्छा आचरण तथा सभी के प्रति दया दिखाने को कहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो अभी शिलालेख आप अंदर देखेंगे यहाँ पर देखिए उसका एक ट्रांसलेशन कॉपी भी यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग ने दी है। यहाँ पर देखिए प्राकृत और साथ ही साथ जो इसका भाषांतर जो है यहाँ पर किया गया है। ये देखिए इसके प्राकृत में क्या लिखा है देखिए, और इसका भाषांतर क्या दिया गया है, ये देखिए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा दिया गया। देवान पियस प्रियदर्शिनो अशोक राजा
जिसका जिक्र उस बोर्ड में किया गया, अशोक राजा अढ़ति यानी संवच रानी उपासके स्मी साधी के सवचरे यच में संगे याते ति अह वा ढच परकंते ति आहा ए तेना अंत रेना जम्बुदीप से। देखिए जम्बुदीप से यहाँ पर उल्लेख हुआ है, देवान पियस अमी संदेवा संतो मुनिस निसंदेवा कट्टा परकस इयम फले नोच इयम मह तेना तीव व च किए पापो तवे खुद केन पी पर क मी ने ना घम पानेसु स यंतेना विपुले पी स्वगे चकिये आराध इतवे से एताए अठाए इयम सावने खुदा के चा उडारे चा संगम चरतु योगं युजं एक तुं अंतां पी चा जानन्तु की ची च चीला थी ती के ध म च। उसके बाद यहाँ पर ए अक्षर छूट गए, सी ती च एन वा घमं चरम अतियो यहाँ पर एयम च सावन विथु तेन यहाँ पर अंग बताए हैं 200 + 50 + 6 यानी यहाँ पर नीचे इसका दिया है 256वे पड़ाव में। यहाँ पर इसका ये जो है प्राकृत है और इसका या अर्थ देखिए, जिस प्रकार से इससे पहले हमने शिलालेख देखा है, इससे पहले हमने मध्य प्रदेश का पंगुरिया यहाँ पर एक शिलालेख देखा है और यही ये जो शिलालेख है इसका मुख्य शिलालेख एक क्रमांक जो है हमने यहाँ से पहले रूपनाथ यहाँ पर देखा है जो कि मध्य प्रदेश में ही है। रूपनाथ में 3 शिलालेख है, एक पंगुरिया का और एक ये रूपनाथ का और एक यह वाला। तो यहाँ पर देखिए ये जो शिलालेख है सेम रूपनाथ यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताया था ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसका ट्रांसलेशन दिया है। देवान प्रिय अशोक राजा की यह विद्यम्ति है यानी कि यह आज्ञा है, 2.5 वर्ष बीत गए हैं, मैं उपासक था किंतु अधिक पराक्रम नहीं कर पाया, 1.5 वर्ष हुए हैं मैंने संघ की शरण ली है, मैं यहाँ पर देखिए ये जो इसका लेख है आधा कट गया है, लेख का यह भाग नष्ट हो जाने से पठनीय नहीं है यानी वो पढ़ नहीं सकते। यहाँ पर देखिए अधिक मतलब यहाँ पर अधिक पराक्रम किया है, मतलब ये इसका जो हमने रूपनाथ यहाँ का जो शिलालेख है वह पढ़ा था। तो रूपनाथ में क्या दिया है, रूपनाथ में यह कहा है कि देवान प्रियदर्शी राजा अशोक राजा यह कहते हैं और इसके अंदर देवान प्रियदर्शी राजा अशोक यह कहते हैं इस प्रकार से लिखा है। वहाँ पर सम्राट अशोक कहते हैं कि मैं 2.5 वर्ष तक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना रहा लेकिन मैं ज़्यादा कुछ पराक्रम या फिर ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाया, और यहाँ पर भी सेम वही लिखा है और साथ ही साथ आगे क्या कहते हैं सम्राट अशोक कि मैं 1.5 साल हुआ मैं संघ के सानिध्य में हूँ और संघ को मैंने शरण लिए और मैंने बहुत सा विकास कर लिया या फिर बहुत सा पराक्रम कर लिया है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया। और आगे क्या लिखा देखिए, अधिक पराक्रम किया आ गया यहाँ पर कहा, देखिए ऐसा कहा, इस बीच में जम्बुद्वीप में जो देवता है आश्रिम थे यानी कि जम्बुद्वीप के जो देवता है वह सामान्य लोगों से मिला नहीं करते, देवता देखिए देवता मनुष्यों से मिश्र हो गए हैं, पर यह पराक्रम का पहले मतलब पहले जो देवता है, देवता यानी पवित्र व्यक्ति या फिर जो प्राचीन काल में जो कुशल कर्म करते थे या फिर जिनके जो कर्म है वो पुण्य हुआ करते थे ऐसे लोग तो वह मिल नहीं पा रहे थे लेकिन अब सम्राट अशोक इनके कार्य के कारण वह मिलते हैं। देखिए यहाँ पर न यह केवल महान से ही प्राप्त होना शक्य है यानी यहाँ पर ये जो कार्य उन्होंने किया है उस कार्य से ही यह सफल है, पराक्रम करने वाले धर्माचरण करने वाले और प्राणियों में संयम करने वाले। देखिए यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया शूद्र यह शब्द इस्तेमाल किया गया लेकिन देखिए शूद्र जो शब्द है यह सामान्य व्यक्ति, यहाँ पर छोटे व्यक्ति लिखा गया है, देखो सामान्य व्यक्ति से विपुल
स्वर्ग प्राप्त करना शक्य है, मतलब यहाँ पर कोई भी स्वर्ग प्राप्त करता है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, या फिर वो कोई भी हो। अंत इस लेख का यह, अब देखिए यहाँ का भाग कट गया है, तो आगे हमने आपको रूपनाथ का बताया था, उसमें पूरा ट्रांसलेशन उसका देखिए। प्रयोजन के लिए यह श्रावण किया गया है। देखिए सामान्य व्यक्ति और उदार धर्म का आचरण करे, सामान्य व्यक्तियों से यह कह रहे सम्राट अशोक कि वह धर्म का आचरण करे, योग को प्राप्त हो, सीमावंती लोगों को भी जाने, क्या आचरण चिरस्थायी होगा, यह धर्माचरण अत्यंत बढ़ेगा। यह जो लेख लिखवाया है उसका यहाँ पर उल्लेख किया है, यह श्रवण 256वें पड़ाव में सुनाया गया, ये जो लेख है वह लिखा गया। देखिए अब ये शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो शिलालेख है सम्राट अशोक इनका जो पहला शिलालेख है, सम्राट अशोक इनका राजाभिषेक होने के बाद उनके 11वें वर्ष में ये जो शिलालेख है वह लिखवाए गए थे, और ये जो शिलालेख है यह यहाँ की प्रतिलिपि है। देखिए यहाँ पर ये शिलालेख, देखिए आप ये शिलालेख है या नहीं हम पहचान भी नहीं सकते। देखिए यहाँ पर ये शिलालेख जो है पूरा मिट गया है, देखें ये शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर से आपको बहुत ही कम शब्द दिखाई देंगे जिस प्रकार से अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ से इस शिलालेख में सम्राट अशोक इनके नाम का वर्णन है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर पढ़ने आ रहा है, और आगे देखो अशोक जो है या फिर जिसका जिक्र इस शिलालेख में अशोक करके हुआ है उसके आगे का नाम जो है पढ़ने के लिए भी नहीं आ रहा है। देखिए ये पूरा जो है यह मिट चुका है, यह क्या लापरवाही है या यह बाय नेचुरल है, देखिए लेकिन यह शिलालेख पूरा जो है दिखने में नहीं आ रहा है, अभी दिखने में नहीं आ रहा है। अगले 50 सालों में यहाँ पर किसी प्रकार का शिलालेख था यह सिर्फ हम किताबों में पढ़ेंगे। अशोक का जो है अ दिख रहा है हमें, अ, और ये स जो है देखे यहाँ पर स जो है देखे पूरा कट चुका है, अशोक ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो है अभी ये खंडित हो चुका है पूरा, और ये देखिए आगे के भी जो लेख हैं वो थोड़े से कठिन है, यहाँ पर देखिए प स य व न न व ये देखिए प, ये पूरे मतलब धीरे धुंधले हो चुके हैं इस प्रकार से। तो हमने आज इस प्रकार से यहाँ के जो शिलालेख है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है, एक प्रतिलिपि है, लेकिन इसे संरक्षण देना बहुत ज़रूरी है। अभी संरक्षण तो दिया है, धूप और पानी से संरक्षण दिया है, लेकिन यहाँ पर गार्ड नहीं है या फिर यहाँ पर प्रॉपर गेट भी नहीं है, और ये जो है इसको लिक्विड प्रिजर्वेशन होना ज़रूरी था। अभी क्या पता इसमें क्या क्या उन्होंने किया है और क्या क्या नहीं, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसे सिर्फ प्रोटेक्शन दिया गया है, बाकी तो इस शिलालेख के यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की अन्य व्यवस्था नहीं देखे हमने, बाकी बाहर हमने बोर्ड देखे, बोर्ड के अंदर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुए। तो साथियों मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय।